Let's do question number 8 of exercise 2.2, that is linear equation 1 variable. Question number 8 is 3 consecutive integers are such that 3 consecutive integer इस तरीके से हैं that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. वो कह रहा है जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया और उनको मल्टीप्लाई किया गया 2, 3, 4 तो तीनों को ऐड करके 74 आया. तो फाइंड दीज नंबर्स, तो हमें नंबर्स निकालने हैं कि ये कौन से हैं. वो कह रहा है देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में. लाइक अगर हमने पहला नंबर 4 लिया, फिर 5 लिया और 6, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर्स है. ये नंबर लेने हैं और हमें मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. तो पहले नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को 3 से और थर्ड नंबर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो जो रिजल्ट आएगा उनको ऐड करेंगे. मान लीजिए ये 8 आया, ये 15 आया और ये 24 आया. अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा सम 74 आना चाहिए. तो ये फिक्स्ड है हमारा, ये फिक्स्ड है, हमें इन्हें चेंज करना है. तो हम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है तो हम लेट कर लेते हैं. अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लेंगे, अगर ये 4 है तो 4 में कितना ऐड करूं कि 5 आ जाए, तो +1 करेंगे. इसी तरीके से 4 में हमें 6 लाना है तो क्या कितना ऐड करेंगे, +2 करेंगे. तो हम लेट कर लेते हैं. इसी तरीके से 4 की जगह हम x ले लेंगे. लेट द नंबर बी फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x है, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा. देखिए नेक्स्ट नंबर लाने के लिए +1 किया है तो x +1 हो गया. और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर. थर्ड नंबर लाने के लिए हमने +2 किया है तो x +2 हो गया, राइट अब वो कह रहा है पहले हम पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड नंबर को 3 से और थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब का ऐड अप करके कितना आ रहा है 74. तो पहले नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस सेकेंड नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस और थर्ड नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और इन सबको ऐड करके हमारा आ रहा है 74. तो अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे. ये आ गई हमारी इक्वेशन. अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो 2 into x 2x प्लस, अब क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ तक है तो 3 की मल्टीप्लाई x में भी और 3 की मल्टीप्लाई 1 में भी. तो 3 into x 3x, 3 1s 3 प्लस. इसी तरीके से 4 into x 4x और क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा और 4 2s 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 74. अब x की टर्म्स एक साथ ऐड कर लेते हैं तो 2 + 3 5 5 + 4 is 9 9x और नॉन x टर्म्स एक साथ ऐड कर लेते हैं 8 + 3 is 11 इक्वल्स टू 74. तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74 और 11 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9x इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 63. तो x कितना आ गया 63 और 9 काय में आ जाएगा डिवाइड में तो 9 से ही कैंसिल हो रहा है 63 9 7s तो x कितना आ गया 7. तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पता चल जाएंगे अब हमें x निकलते ही. तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना आया दैट इज हमारा x था तो 7 आ गया. सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि हमारा था x +1 तो दैट मीन्स 7 + 1 8 आ गया. और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि x + 2 था तो 7 + 2 कितना हो गया 9. तो ये थे तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 8 and 9 इज द आंसर. Let's do question number 9th of exercise 2.2, that is linear equation 1 variable. Question number 9th is the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. इन दोनों की एजेस दे रखी है, राहुल की और हरुण की 5:7 की रेशियो में। इसका मतलब अगर राहुल की 5 years ओल्ड है तो हरुण की 7 years ओल्ड है, राइट। ये रेशियो है इनकी। 4 years लेटर मतलब 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। आज से 4 साल बाद जो भी इनकी एज होगी उनका सम, उन दोनों की एज का सम, मान लीजिए ये 25 years है और ये 31 years है, तो इन दोनों का सम 56 years आ रहा है, राइट। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी आज एज क्या है ये बताना है। तो देखिए आज की एज रेशियो में दे रखी है 5:7, तो जब भी रेशियो में एजेस दे रखी होती हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, लेट। पहला देखिए राहुल दे रखा है और रेशियो में पहली किसकी होगी, राहुल की। लेट राहुल प्रेजेंट एज बी, आज की एज कितनी है, प्रेजेंट एज बी 5x है। पहले वाली राहुल की थी तो इसलिए पहले वाली रेशो को राहुल की माना है, तो 5x कर लिया। एंड हारून भी, हारून प्रेजेंट एज भी कितनी है, 7x, राइट। अब वो कह रहा है सिर्फ इतना पढ़ते हैं, 4 years लेटर, आज इतनी है, आज ये है तो 4 साल बाद कितनी होगी, देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ 4 years later, 4 years later, देखिए राहुल की एज क्या हो जाएगी, राहुल एज, आज की एज में 4 years ऐड हो जाएंगे, तो आज अगर 5x है तो 4 years ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे years लिख लीजिए, राइट, ये भी years में आ गया। और इसी तरीके से हारून की एज, हारून की एज आज अगर 7x है तो 4 साल बाद 4 साल ऐड ऑन हो जाएंगे, राइट, इतनी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, 4 years later the sum of their age will be 56 years। 4 साल बाद जो एज होगी उन दोनों का सम क्या होगा, 56। तो इन दोनों का सम कह रहा है वो, तो इन दोनों का सम कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो 5x + 4 + 7x + 4, इन दोनों की एज का सम कितना है, 56। फिर से बता रही हूँ, देखिए वो कह रहा है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशो, दोनों की राहुल और हरुण की एज रेशो में दे रखी है 5:7। तो मैंने आपको बताया अगर राहुल की एज 5x है प्रेजेंट एज, तो हरुण की एज प्रेजेंट कितनी है, 7x आज के अकॉर्डिंग, राइट। अगर 4 years later, अगर 4 साल बाद की बात करें, अगर मैं आज 10 साल की हूँ तो 4 साल बाद 14 साल की होंगी, तो सेम आज अगर राहुल की एज 5x है तो 4 years later +4 ऐड हो जाएंगे उसकी एज में। इसी तरीके से हरुण की एज अगर 7x है आज तो 4 साल उसकी एज में ऐड हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं 4 years later the sum of their age, जो उनकी 4 साल बाद उनकी जो एज आई है उन दोनों का सम हमारा कितना है, 56 years है। तो देखिए उन दोनों की एज जो 4 साल बाद आई है उन दोनों का सम 56 है। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, ये वाली एज निकालनी है, तो उसके लिए हमें x पता होना चाहिए। तो x किससे मिलेगा, इस इक्वेशन से। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 5x + 4 + 7x + 4 = 56। तो आप देखिए 5x और 7x दोनों x की टर्म्स हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 7 इज 12x और 4 + 4 इज 8 = 56। अब ये 8 विदाउट x टर्म है तो उसको उधर ले जाएंगे, तो ये आ गया 12x = 56 और 8 इधर आके माइनस का हो गया, तो 12x = 48 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 48 अपनी जगह, और क्योंकि 12x के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, राइट। और हमें पता है 12 1s are 12, 12 4s are 48, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हम राहुल और हरुण की प्रेजेंट एज निकाल देंगे, तो राहुल एज कितनी आ जाएगी, राहुल, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज आ जाएगी हमारी 5x थी प्रेजेंट एज में राहुल की, तो 5 × 4, x की जगह 4 रख लेंगे तो ये कितना आ गया 20 ईयर्स, राइट। और इसी तरीके से हारून की प्रेजेंट एज निकाल देंगे, हारून प्रेजेंट एज जो कितनी आ जाएगी 7x थी, तो 7 × 4 तो ये कितनी आ गई 28 ईयर्स। ये हमारी आज की एज आई है, 4 साल बाद की एज का सम 56 आया था। आप ये मत सोचिएगा इन दोनों को ऐड करके ये आ जाना चाहिए, 4 साल बाद ये आएगी, मतलब ये अगर आज 20 साल का है 4 साल बाद 24 ईयर्स का हो जाएगा, और 28 का आज हारून है तो 4 साल बाद 32 ईयर्स का हो जाएगा। तो अगर 32 और 24 ऐड करेंगे तो हमारी एज कितनी आएगी 56 4 साल बाद की। तो ये था चेक करने का तरीका। तो दिस इज आवर आंसर।